क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहाँ पर मुगल पेंटिंग के बारे में। तो मुगलों की जो पेंटिंग हुआ करती थी उसके बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये एवरग्रीन टाइप का टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों के सामने कोई आए तो आप लोग उसको न छोड़ें। मुगल पेंटिंग्स के बारे में बात की जा रही है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी सही है, ये बात यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर ये एक नेचुरलिस्टिक स्कीम या फिर थीम आप लोग बोलिए के ऊपर यहाँ पर, और सेक्युलर नेचर की देखने को मिलती है, यानी कि नेचर के साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेगी, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में सेक्युलर यानी किसी भी रिलीजियस चीज पर फोकस नहीं देती है, धर्म निरपेक्षता की बातें करती है जो मुगल की पेंटिंग्स हुआ करती थी। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर। आगे बात करते हैं पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ में इन्फ्लुएंस होता है, तो देखिए ये तो होना ही है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे जो माना जाता है कि जो बाबर हुआ करते थे, जिनके द्वारा यहाँ पर मुगल का जो एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो थोड़ा उसी साइड से निकल कर आए थे, तो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे आप लोग गांव में रहते हैं और गांव में से निकलकर सिटी में पढ़ने आ जाते हैं, फिर भी जो लैंग्वेज है उसमें जो आप लोग का थोड़ा सा गाँव वाला मिठास देखने को मिलेगा लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जो एक नेचुरल चीजें होती है, जो मातृभाषा होती है, वो ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं इनकी कि हाँ ये इसको साथ में इन्फ्लुएंस थोड़ा देखने को मिलता ही था, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबो, तो आंसर क्या सही है यहाँ पर? आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे हिसाब से जो आंसर सही है वो है सी। आइए नजर डालते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले एक तो जो बोला गया है अभी नेचुरलिस्टिक, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दूसरा सेक्युलर थीम पे यानी कि लव प्यार ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। नेचुरल चीजें आप लोगों को काफी देखने को मिलेगी, यानी कि रिलीजन के बारे में कोई ज्यादा यहाँ पर बातें नहीं बताई गई हैं, ये बिल्कुल नेचुरलिस्टिक चीजें यहाँ पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई है, और पर्शियन जो पेंटिंग है उसके साथ में कनेक्टिविटी बोली ही गई है। और हाँ, पर्शियन जब बात करते हैं यहाँ पर, तो पर्शिया अगर आप लोग पुराना नाम देखेंगे, कौन सी कंट्री है आज के डेट में जिसको पर्शिया बुलाया जाता था पुराने टाइम पर, ईरान आज की डेट में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें यहाँ पर, तो ये मुगल एम्परर जो अकबर की बात की जाए तो उसके टाइम पर भी काफी इंटरेस्ट वो रखते थे पेंटिंग वगैरह में, और वो आप लोगों को पता होगा कि सब रिलीजन का काफी रेस्पेक्ट किया करते थे, इसीलिए मैक्सिमम अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर दिखाया होगा तो आप लोगों को याद होगा जो राजपूत कभी किसी के साथ में नहीं मिले थे वो अकबर के साथ में आकर मिल गए, इस तरीके के ये पर्सनैलिटी थे अकबर, एक अलग ही जादुई करिश्माई पर्सनैलिटी इनको बोला जाता था, और उसी के तरीके से यहाँ पर इनकी पेंटिंग भी देखने को मिलती थी, जो कि काफी एस्थेटिक यानी कि काफी सुंदरता वाली पेंटिंग हुआ करती थी, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोगों को दो क्वेश्चन एक साथ में कनेक्ट मिलेंगे यहाँ पर, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आंसर भी साथ में बताता चलूंगा, पर ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप लोग कोई स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे और बोलेंगे ये क्या है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर तोर्नाज के बारे में बोला जा रहा है, एंशियंट टाइम में किसको तोर्नाज बोलते थे, पहला में बोला गया यहाँ पर ये बोला गया कैलीग्राफी इंस्क्राइब ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द रॉयल दरबार इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि इस्लामिक जो वास्तुकला होती थी उसमें जो शाही दीवारें होती थी उनकी जो दीवारों पे जो सुलेख लिखे हुए थे या आप लोग बोल सकते कड़े हुए थे वो यहाँ पर बेसिकली उसको बोले जाता था तोर्नाज, ठीक है ना, तोर्नाज, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये स्टाइल है डोम्स बेस्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस बाय तुर्क्स, यानी कि तुर्क के द्वारा जो गुंबद टाइप की आर्किटेक्चर जैसे मस्जिद होती है उस तरीके से आप लोगों ने देखी होगी उस पे जो वास्तुकला शैली थी उसको यहाँ पर ये बोला जाता था। तीसरा बोला जाए यहाँ पर ये कैलीग्राफी हुआ करती थी यहाँ पर इंटीरियर वॉल्स ऑफ द रॉयल दरबार, जो रॉयल दरबार यानी कि शाही दरबार जो हुआ करता था उसकी इंटीरियर यानी कि जो इंटरनल जो आंतरिक दीवारें होती थी उस पर कुछ ऐसी पेंटिंग होती थी उसको बोलते हैं यहाँ पर तोर्नाज, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर गेटवे टू द बुद्धिस्ट स्तूपा, ये होता है तोर्नाज, कौन सी स्टेटमेंट से ये आप लोग के हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। आंसर जो है यहाँ पर वो है डी, ये आप लोगों ने देखा होगा ये है सांची का स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गेटवे है यहाँ पर जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको तोर्नाज बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिखाऊंगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तब आप लोग कैसे आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कराएगी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर तोर्नाज से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि तोर्नाज जो है टिपिकली दो पिलर
खासकर, या फिर तीन जो यहाँ पर दो तो पिलर रहेंगे वैसे जो खड़े हुए होंगे, और नॉर्मली तीन जो है वो ट्रांसवर्स पिलर, यानी कि ऐसे पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलता है इस तरीके का, जो कि एक्सटेंड रहता है, जो बेसिक गुम्बद रहता है उससे आगे थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर आप लोग एक्सप्लेन कर कर दिखाई जाएगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा बोला गया कि ये तीन तोरणास हैं, अगर बात करें सांची के स्तूप में, ये बोला गया ग्रेट सांची स्तूप जो है उसमें तीन तोरणा है, ये बोला गया यहाँ पर, यानी कि तीन ऐसे दरबार है जिसमें एंट्री की जा सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो देख लेते हैं आंसर, आंसर के साथ साथ में कई सारी बातें और भी जान लेते हैं। पहले तो यहाँ पर तोड़ना की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दो ऐसे पिलर हैं और तीन ऐसे पिलर ही आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है जिसको तोड़ना बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर एंट्री का जो द्वार होता है, ठीक है ना, तोड़ना, ठीक है, ये यहाँ पर है बेसिकली। और ये ऐसे तीन नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो बात की जा रही है इसके अंदर, ये चार इस तरीके की दीवार है, चारों तरफ को अगर आप लोग जाएंगे तो चारों डायरेक्शन में एक एक दीवार आप लोग यहाँ पर इस तरीके का ये गेट नजर आएगा इसमें एंट्री करने के लिए। तो तीन नहीं है ये, चार हैं और काफी फेमस है ये, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में यह अंडा, इसको अंडा बोल दिया जाता है, जो हाँ गुम्बद टाइप का होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। हर्मी का यहाँ पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर यहाँ पर ये आप लोग को एक तरीके का क्लस टाइप का थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं चत्रा स्पेयर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नाम देकर आप लोगों को पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर रिलीजन से या किस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग से ये कनेक्टेड है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये एनक्लोजर वॉल होगी चारों तरफ को, और ये जो इस तरीके की ऊपर जो यहाँ पर दीवार बनी हुई है इसके चारों तरफ को अगर यहाँ पर भी आप लोग घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, इसको मेंधी बोला गया है, ठीक है। तो ये तमाम ऐसी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी भी जा रही हैं, ठीक है, थीके? तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिए, ये बेसिकली यहाँ पर हो जाता है। स्तूपा जो है यहाँ पर ये, या फिर हिंदू टेम्पल में भी ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, ऊपर यहाँ पर नॉर्मली झंडा टाइप का थोड़ा सा लगा रहता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं यहीं से ही वो चीजें निकल कर आती हैं जो कि आज की डेट में आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हो गया आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों की सही है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ पर गलत हो गई। तो आंसर इसका ए होगा, सॉरी, ठीक है ना, आंसर ए होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका ए आंसर होगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। ये बोला है बेडिन क्लाम फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ए स्टेटमेंट में बोला गया आसाम, बी में बोला गया तेलंगाना, सी में बोला गया मेघालय, डी में बोला गया वेस्ट बंगाल। तो कौन सा आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से? तो आंसर जो है इसका यहाँ पर आंसर है सी, यानी कि मेघालय। मेघालय में ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलता है जो मंथ जुलाई में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर गुड हेल्थ प्रोस्पेरिटी और बम्पर हार्वेस्टिंग जो होती है, यानी कि जो फसल काटी जाती है उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है जैंतिया ट्राइब्स के द्वारा। ये बहुत जल्दी पूछा जाता है, पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम आप लोगों को दे देंगे और ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आप लोगों से पूछ लेंगे। तो ये जैंतिया ट्राइब है यहाँ पर जो इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और चार दिन का ये फेमस फेस्टिवल होता है जो कि एक कल्चर फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर एक रथ टाइप का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरीके की कलाकारी की जाती है अलग अलग तरीके से, और फिर उसको यहाँ पर घुमाया जाता है और यहाँ पर गीला कर सबको एक होली टाइप में खेली जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और काफी लंबे समय से ये चला हुआ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स होती है थी एंशियंट टाइम में काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखे होंगे, इसके बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। मधुबनी इसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी कि शहद का जंगल, ठीक है। तो ये इसके शब्द का मीनिंग है जो कि ये पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शहद का जंगल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि ये जो है यहाँ पर ये नोन एज यहाँ पर मैथिली, यानी कि इसके बारे में बात की जाती है कि जो मैथिली जो ओरिजिन खासकर मैथिला रीजन बिहार में है उसको ये नोन थी पेंटिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये पेंटिंग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बिहार के पर्टिकुलर मधुबनी यहाँ पर एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है, मैथिली वाले एरिया में वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में मेंशन कर रखा है, अगर आप लोगों ने रामायण की बात सुनी हो तो रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया प्राचीन ग्रंथ में मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तीसरी स्टेटमेंट ये है, तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बोला गया है? ए में बोला गया वन और टू, बी में बोला गया वन और थ्री, सी में बोला गया टू और थ्री, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर जो इसका सही है वो है यहाँ पर डी आंसर, जो कि आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे के सारे जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो सब के सब यहाँ पर सही है।
इसी बहाने से थोड़ा आप लोग ये पेंटिंग भी एक बार निहार लीजिए, देखने में कैसी लगती है। आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इनकी देखने को मिलेगी। ये भी एक नेचुरल तरीके की पेंटिंग थी, जो कलर है वो भी नेचुरल यहाँ पर नॉर्मली यूज किया जाता था। मैच स्टिक वगैरह या और भी कई सारी ऐसे जो ये जो ट्विक्स है या फिर कुछ ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट जो ब्रश वगैरह कंटेम्परेरी जो टाइम पर यूज किया जाता था उसी के बेस पर यहाँ पर ये बनाई जाती थी। जियोग्राफिकल जो आप लोगों को थीम है थोड़ी सी आप लोगों को वो भी यहाँ पर इनमें नजर आएगी, यानी कि नेचर से ज्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी इसके साथ में। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ हनी इसीलिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर इसका नाम भी कुछ ऐसे ही सी के बेस पर रखा गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया, आंसर है सी, वो डी। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यहाँ पर पूछा गया है त्रिपिटकास के बारे में, या फिर हिंदी में बोलिए इनको त्रिपिटक, तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। त्रिपिटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात बोली जा रही है तीन तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया था, सुत्ता पितक और यहाँ पर विनय पितक और या फिर अभिन यहाँ पर है ये अभिधम्मा पितक। ठीक है, या फिर पिता का आप लोग बोल सकते हैं। तो ये तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया था, यह पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सुत्ता पिता का में ये यहाँ पर खासकर फोकस देते हैं, जो भी यहाँ पर मोन्स होते हैं और नन्स होते हैं उनके जो रूल और रेगुलेशन थे उनके बारे में यहाँ पर ये बताता है कि कैसे उनको मठ के अंदर रहना था, जो भिक्षु और नन थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अगर विनय पितक की बात की जाए यहाँ पर ये डील करता है जो भी धर्म के बारे में दर्शन सिद्धांत या फिर आप लोग फिलोसफी और डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धिज्म थी उसके बारे में बात करता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी ए बोला गया 1 और 3, सी ए बोला गया 2 और 3, डी ए बोला गया 1, 2 एंड 3। तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि ये 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये अलग अलग यहाँ पर दे रखी है बातें, आइए जान लेते हैं तीनों के बारे में डिटेल में। आंसर सी हो गया, तीन पिताकाज मैंने आप लोगों को बताई दिए, ये सुत्ता विनय और अभिधम्मा, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। विनय जो पिता का है उसमें रूल है जो मोंग्स वगैरह ये नन है जो कि वहां पर मठ में रहा करते थे, मोनेस्ट्री में रहा करते थे, उनके बारे में रूल और रेगुलेशन दे रखे हैं। अभिधम्मा पिटिका यहाँ पर फिलोसफी या डॉक्ट्रिन की बात करती है बुद्धिज्म के बारे में, और जो सुत्ता पिटिका है यहाँ पर ये बात करता है जो बुद्धा और उनसे उनसे रिलेटेड लाइफ के बारे में, और इसी के साथ में जो क्लोज कंपेनियन यानी कि जो उनके साथ ही उनके साथ में रहा करते थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, बेसिकली उनके लाइफ के बारे में, बुद्धा के लाइफ के बारे में प्रोवाइड कराता है बातें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तीनों पिताकाज को भी मैच करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो आप लोगों को इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया जरूर होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने रिसेंटली कई बार नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, तो उसी के बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। जो रिसेंटली कोई न्यूज में होता है उसकी हिस्ट्री भी जाकर पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर बात की जा रही है नालंदा महाविहाराज के बारे में। तो नालंदा महाविहारा जो था उसके बारे में बात की जा रही है, ओरिजिनली जो बनाया गया था वो एम्परर कुमार गुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर थे कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया, जो नालंदा महाविहारा या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि पोस्ट गुप्ता पीरियड नालंदा के बाद की अगर बात की जाए कंटिन्यू रहा, इसको डेवलप किया गया अलग अलग किंग्स के द्वारा 7th सेंचुरी में, यहाँ पर जो खासकर जो हर्ष है जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा भी यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखा गया और इसमें यहाँ पर डेवलपमेंट किया यानी कि विकास किया। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर जो चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे जैसे यहाँ पर हुई सांग के बारे में बात की जाए, फाहियान के बारे में बात की जाए, इनके द्वारा भी नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई है, ये यहाँ पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर क्या सही है आप लोग के हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए। असली जो आंसर है यहाँ पर वो है डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कुमार गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी, और ये इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखें ना आप, उसमें भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा, पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एवरग्रीन क्वेश्चन है ये कि किसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिए। इसी के साथ में बाद में कंटिन्यू की गई है हर्ष के द्वारा, तो हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके द्वारा ये कंटिन्यू की गई। और जो आज की डेट में आप लोग देखते हैं ना हमारी कंट्री से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं कि यहाँ कहाँ पढ़ के आए, यूएसए पढ़ के आए, कुछ चाइना पढ़ने जा रहे हैं, कुछ अलग अलग कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमारी कंट्री में लोग बाहर से पढ़ने के लिए आया करते थे, और यह आप लोगों के सामने यहाँ पर उदाहरण। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कितनी पावरफुल कंट्री थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री, और कितने यहाँ पर लोग जो थे एजुकेटेड थे हमारी कंट्री में। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं, अच्छा थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये जो बनाई गई थी यहाँ पर ये मैंने अभी आप लोगों को बताई दिया
कि हाँ ये पहले बनाई गई कुमार गुप्ता के द्वारा, कुमार गुप्ता फर्स्ट, और फिर आगे भी इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया हर्ष के द्वारा, ठीक है। बाकी ये जरूर याद रखिएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है ये। अभी यहाँ पर ये कई सारी कंट्रीज के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और ये अच्छे लेवल पर डेवलप की जा रही है, यानी कि अपनी कल्चर को फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कई सारी कंट्री के द्वारा मिलकर। तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में थी, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में यहां पर एक बिल्डिंग है जिसको ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि सपनों का पत्थर। कौन सी है वो बिल्डिंग जिसको सपने का पत्थर के नाम से पुकारा जाता है? पहले बोला गया हुमायूं का टोम्ब, दूसरे में बोला गया यहां पर पंचमहल, तीसरे में बोला गया यहां पर जंतर मंतर, चौथे में बोला गया हवा महल। तो किसको बोला जाता है यहां पर? ड्रीम्स ऑफ स्टोन, ठीक है, ड्रीम ऑफ स्टोन्स। तो ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर आंसर बताता हूं। आंसर जो है वो इसका बी है, पंचमहल को यहां पर इस नाम से पुकारा जाता है। पंचमहल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये इसकी जो बिल्डिंग्स है इसके नाम पर इसका नाम यहां पर पंचमहल रखा गया है, जो कि आप लोगों के सामने है। तो इसको यहां पर इस नाम से पुकारा जाता है। अगर बात करें हुमायूं के टोम्ब की, तो वो तो दिल्ली में, उसके बारे में बोलना यहां पर गलत है क्योंकि ये फतेहपुर की बात की जा रही है। अगर हवा महल की बात करें, ये जयपुर में है। जंतर मंतर की बात करें, तो वो भी आप लोगों को फेमस वन जो है वो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो फेमस की बात की जा रही है, ऐसे तो कई जगह है। तो क्या हो गया यहाँ पर? पंचमहल हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों को, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पंचमहल कहां पर पड़ता है बोल देंगे उत्तर प्रदेश में, हवा महल कहां पर पड़ता है बोल देंगे मध्य प्रदेश में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं मैच करने के लिए। तो कल्चर में ऐसे क्वेश्चन भी बड़े फ्रीक्वेंट आते हैं, तो उनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिए जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी इसके रिलेटेड भी होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात करें यहाँ पर अजंता केव के बारे में, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसके बारे में बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया अजंता की जो केव है वो एक रो कट बुद्धिस्ट केव है, नॉर्मली जो आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि ये अजंता की जो गुफाएं यहाँ पर रो कट, यानी कि पत्थर को काट कर वो गुफाएं नॉर्मली बनाई गई है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट, सिंस 1983 से अजंता जो केव है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्या ये 1983 की बात की जा रही है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये केव जो है ये बनाई गई तीन फेज में, इनको कंप्लीट किया गया था, इनके अलग अलग फेज में चलिए तीन चरण में इनको कंप्लीट किया गया, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ए में बोला गया 102, बी में बोला गया 103, सी में बोला गया 203, डी में बोला गया 123। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, उसके बाद में आगे आंसर देखिएगा। तो आंसर जो सही है वो है ए, यानी कि 102 सही है। ये तीन फेज की जो बात बोली गई ये गलत है, ये दो फेज था, और इसमें भी कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि जो दो फेज थे एक तो सेकंड सेंचुरी में हो गया, दूसरा जो बोला जाता है ये 400 से 650 के बीच में बोला जाता है, कई सारे इसको 450 से 480 तक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई बार इसमें कंफ्यूजन है बेसिकली, तो इसके बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये दो फेज में कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो जो अजंता की केव है इसके बारे में ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये कहां पर है, बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, और यहां पर इनको जो बनाया गया वो मैंने अभी आप लोगों को बताई दिया। इसी के साथ में ये जो अजंता की केव है मेंशन किया गया इनके बारे में जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर है उनके द्वारा भी, ठीक है। तो यहां पर ये इसके बारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि किस ट्रेवलर के द्वारा यहां पर किस ट्रेवलर के द्वारा इनके बारे में चीजें लिखी गई हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ में अकबर के टाइम के जो ऑफिशियल था मुगल के टाइम का, यहां पर उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। रॉक कट स्कल्पचर है, यानी कि पत्थर को काट कर उसके अंदर से बनाया गया है यहाँ पर, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, और मेंटेन आज के डेट में कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा बना लिया गया था। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहे हैं एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि जो एंशियंट पुराने टाइम पे ये लैंग्वेज बोली जाती थी उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बोला गया पाली वाइडली यूज की जाती थी लैंग्वेज, मगध जो एम्पायर हुआ करता उसके अंदर, और ये क्लोजली हिंदी से रिलेटेड थी, यानी कि हिंदी से कनेक्टेड थी, और ये मगध जो एम्पायर हुआ करता था उसमें इसको यूज किया जाता था। त्रिपिटका जो हम लोगों ने अभी देखा, त्रिपिटक आप लोग बोल सकते हैं बुद्धिज्म के, वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। बेसिकली पाली लैंग्वेज बोलूं तो लोकल लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, जिसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है लोकल लोगों के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो जो आंसर सही है यहाँ पर वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर जो सही है यहाँ पर वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में आखिर क्या गलत है? ये क्लोजली रिलेटेड जो हिंदी बोला गया है ये क्लोजली रिलेटेड हिंदी नहीं है, ये संस्कृत के रिलेटेड है, यानी कि क्लोजली रिलेटेड है यहाँ पर संस्कृत, ना कि हिंदी। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो पाली या फिर मगधन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता था, डायरेक्ट आप लोग देखते हैं
वैसे तो बोला गया कि मगध वाले एरिया में बोली जाती थी, पर लेकिन मगधन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता था, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज नॉर्मली देखने को मिलती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में। पॉपुलरली यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 5th से 1st सेंचुरी के बीच से, यहाँ पर जो बीच में थी तब तक यहाँ पर बोली जाती थी, क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत और बुद्धिज्म में ये पाली में लिखा गया काफी कुछ यहाँ पर जो त्रिपिटकास की बात करते हैं। इसी के साथ में जो बुद्धा है वो अपने आप ये लैंग्वेज नहीं बोलते थे, पर लेकिन काफी कुछ जो चीजें थी जो पढ़ाया करते थे उस टाइम पर इसको यूज कर लेते थे। आखिर फंडा क्या आता है ऐसा? फंडा ये होता है, देखिए मान लीजिए आज के डेट में मान लीजिए मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर हिंदी में, तो आप लोगों को तो तमिल आती नहीं है और मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तमिल में पढ़ाने लगूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो भले ही मेरी लोकल लैंग्वेज कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं पढ़ाऊंगा उस लैंग्वेज में जो कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। लिखा हुआ इंग्लिश में है पर लेकिन पढ़ा हिंदी में रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बुद्धा जी के द्वारा जो पढ़ाया गया उस टाइम पर वो कनेक्टेड तो थे यहाँ पर, बेसिकली वो बेसिकली इस लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रहे थे कि ताकि यहाँ पर जनता के साथ में जनता को समझ आ सके, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना, कई सारे लीडर थे, वो दुनिया भर की लैंग्वेज बोला करते थे, तीन तीन चार चार लैंग्वेज तो मैक्सिमम सारे जानते ही थे। बेसिकली क्यों? इसलिए ताकि वो कनेक्ट हो सके लोकल एरिया में जाकर। बेसिक फंडा ये था इसका यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर बी।